सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल की आज दोपहर 12 बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है। भाइयों बहनों, वीडियो को पूरा ध्यान से देख करके जाना। आज हम आपको बताएंगे, एक नया कैलेंडर जारी हुआ है जिसमें आंगनबाड़ी बहनों के कार्य, सहायिका के कार्य सबके अलग अलग बताए गए हैं। अब इसी अनुसार आप अगले 6 सप्ताह तक 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको गतिविधियां करवाएंगी, यानी उनको अब आप पढ़ाएंगी। अब ऐसे में 27 अगस्त यानी जो कल बीत चुका है, कल से ये चीज़ें लागू भी हो चुकी हैं, तो कल से लेकर के अगले 6 सप्ताह तक ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी हैं। हम विस्तार से वीडियो में सारी चीज़ें बताएंगे, आप सब बहनें इसको ध्यानपूर्वक सुन सकती हैं और समझ सकती हैं। क्योंकि 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पढ़ाने से लेटर जो है लेकर के 6 सप्ताह का ये पूरा एक कैलेंडर है, तो आप थोड़ा ध्यान से सुन लेना। यहां पर जानकारी को अनीता बहन ने भेजा है जो राजस्थान राज्य से आती हैं, और लेटर भी जो आया है वह भी राजस्थान राज्य से है। ओपी बुनकर जी हैं निदेशक जिन्होंने लेटर जारी किया है। आप सब अन्य राज्यों की बहनें चाहें तो इसको देख सकती हैं, जानकारियां जो है हर तरह की आपको पता चलेंगी कि अन्य अन्य स्टेट में कैसे क्या चीजें हो रही हैं 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पढ़ाने को लेकर के। तो यहां पर प्रारंभिक 6 सप्ताह का उद्देश्य भी समझाया गया है कि 6 सप्ताह में कैसे क्या सब कुछ किया जाएगा, बच्चों को जो है लेकर के बच्चे क्या क्या सीखेंगे वो सब भी बता दिया गया है। साथ ही प्रारंभिक माह में की जाने वाली गतिविधियां कौन कौन सी रहेंगी वो भी इसमें बता दिया गया है। इसके अलावा बाल विकास परियोजना अधिकारी यानी CDPO लोगों की इस मामले में क्या भूमिका रहेगी वो भी बताया गया, सुपरवाइजर की क्या भूमिका रहेगी, आंगनबाड़ी बहनों आपकी क्या भूमिका रहेगी और सहायिका बहनें आपकी क्या भूमिका रहेगी, सब कुछ विस्तार से बताया गया है। तो हम भी आपको सब कुछ पूरा बताएंगे। अन्य राज्यों की बहनें, आप जागरूकता के लिए आप इसको देख सकती हैं और सीख सकती हैं कि उनके वहां पर क्या चल रहा है और कैसे क्या चीजें होने वाली हैं। तो यहां पर आधारशिला पाठ्यक्रम एक तैयार हुआ है, आधारशिला पाठ्यक्रम 2024, जिस पर आधारित प्रारंभिक 6 सप्ताह इसके लिए साप्ताहिक डिजिटल कैलेंडर जारी हुआ है। इसमें बातें भी कही गई हैं कि ECC को बेहतर बनाने को लेकर, यानी जो नया सत्र प्रारंभ हुआ है इसमें 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं इनके लिए ECCs की शिक्षा देने को लेकर के 27 अगस्त जो कि कल थी, आज 28 हो चुकी है, तो कल 27 अगस्त से ही चीजें लागू हैं और 10 अक्टूबर तक ये चलेंगी। तो प्रारंभिक 6 सप्ताह का कार्यक्रम आंगनबाड़ी केंद्र पर ECC की गतिविधियां कराई जाएंगी, साप्ताहिक डिजिटल कैलेंडर भी भिजवाया जा रहा है और साथ ही महिला पर्यवेक्षक, CDPO, आंगनबाड़ी सहायिका सबका जो है कार्यदायित्व भी बताया गया। डिजिटल कैलेंडर की जो है उन तक पहुंच भी सुनिश्चित कराई जाएंगी, यानी उन तक भेजा जाएगा। प्रारंभिक 6 सप्ताह में केवल 2 घंटे ही ECC की गतिविधियां डिजिटल कैलेंडर के अनुसार करवाई जाएंगी। तो यहां पर 6 सप्ताह में केवल 2 घंटे ही ये चीजें होंगी। साथ ही बताया गया इंद्रधनुष पुस्तक से ये चीजें कराई जाएंगी, शेष आंगनबाड़ी केंद्र के समय में विभाग की अन्य गतिविधियां भी होंगी। तो आइए देखते हैं, जरूरी जानकारियों पर बढ़ते हैं। यहां पर माजरा क्या है पहले वो समझ लेते हैं, कब से कब तक चलेगा वो तो बता दिया, 27 अगस्त से 10 अक्टूबर तक चलेगा 6 सप्ताह तक। इधर बात करें हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का नवीन कैलेंडर से परिचय, तो पहले तो नवीन कैलेंडर से परिचय आपका होगा। बच्चों को धीरे धीरे आंगनबाड़ी केंद्र के नए वातावरण और दैनिक दिनचर्या से आप उसको परिचित कराएंगी। खेल खेल में गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को आंगनबाड़ी में सहज एक वातावरण मिलेगा। आंगनबाड़ी केंद्र में रखी सामग्री और अलग अलग गतिविधियां कॉर्नर से भी परिचित होंगे। तो कॉर्नर तो आपको पता है UP में भी बनवाए गए हैं, तो वो कॉर्नर वहां भी बनेंगे। बच्चों के माता पिता, देखभाल करता, उनको आंगनबाड़ी केंद्र की गतिविधियों से भी परिचित करवाएंगे, उन्हें सहभागिता के अवसर भी प्रदान करेंगे। तो बच्चों के मां बाप जो हैं उनको भी गतिविधियों के बारे में बताया जाएगा। स्वतंत्र खेल के माध्यम से बच्चों को बौद्धिक और रचनात्मक विकास के लिए उनको मौके दिए जाएंगे। बच्चों को नवीन सामग्री के साथ मुक्त खेल के मौके देकर उनकी रचनात्मकता को बढ़ावा दिया जाएगा और खोज के मौके दिए जाएंगे। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपेक्षित व्यवहार को केंद्र पर
प्रदर्शित करें ताकि बच्चे भी उसका व्यवहार जो है उसको सीख पाएं। वहीं बच्चे क्या क्या सीखेंगे वो सारी चीजें, बच्चों द्वारा अपनी आवश्यकता को कार्यकर्ता सहायिका को बताना, जैसे भूख लगे, प्यास लगे, सोच जाए, वो चीजें वहां पर बताएंगे कार्यकर्ता को, ये सब सीखेंगे बच्चे। अपरिचित एवं उम्र में बड़े व्यक्ति के साथ बच्चों का सहजता से बातचीत करना वो सिखाएंगे। माता पिता या किसी परिचित व्यक्ति के बिना केंद्र में रह पाना बच्चा ये सीखेगा। बड़े आप देखते हैं कई लोग क्या करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में छोड़ आते हैं, बच्चा रोता चिल्लाता रहता है, आंगनबाड़ी पास में ही होते हैं गांव क्षेत्र में, अब धीरे धीरे वहां बच्चा जाएगा और माता पिता को थोड़ा देर के लिए छोड़ेगा, अलग रहेगा, बच्चों में ग्रुप में रहेगा, कुछ सीखेगा, ऐसे चीजें होती हैं। साथियों के साथ खेलने के लिए बिना माता पिता के अपनी इच्छा से बच्चा जाना सीख पाएगा। साथ ही खेल आधारित गतिविधियों में अन्य बच्चों के साथ भाग लेना सीख पाएगा, पहल करेगा, आनंद लेगा। अकेले व साथी बच्चों के साथ खेलना और उनके साथ समूह में शामिल होना बच्चा सीखेगा। सामूहिक खेल गतिविधि में भाग लेना, साथी बच्चों के खेल में शामिल होना और उनको आमंत्रित करना, खेल के लिए जो नियम है उन पर बातचीत करना, भूमिका निर्धारित करना, वो सब बच्चा सीखेगा। फिर बात करें गतिविधियों की, कैसी क्या गतिविधियां होंगी, तो गतिविधियां जो है वो 6 सप्ताह का पूरा कैलेंडर है ECC का, उसी हिसाब से कराई जाएंगी और डिजिटल कैलेंडर एक जारी होगा, वो आप सब बहनों तक विभाग द्वारा खुद ही भेजा जाएगा। वहीं यहां पर और भी कुछ बातें हैं जो यहां पर लिख दी गई, जैसे बच्चों को स्लेट, पेपर, अखबार, फूल पत्ती, कंकड़ आदि स्थित जो स्थानीय सामग्रियां हैं आपके क्षेत्र में, उनसे गतिविधियां कराना सिखाया जाएगा। अब जैसे स्लेट है तो थोड़ा बहुत उसमें चीजें बताई जाएंगी, लिखाया जाएगा, पेपर वेपर से क्या बन सकता है वो सब सिखाया जाएगा, अखबार है ये पढ़ा जाता है वो सब सिखाना होगा। साथ ही जो है यहाँ पर प्रारंभिक 6 सप्ताह की थीम, जैसे मैं और मेरा आंगनबाड़ी, तो जो थीम है वो यहाँ पर आप नोट कर सकती हैं राजस्थान की बहनों, मैं और मेरा आंगनबाड़ी, ये रहेगी थीम 6 सप्ताह के लिए। हर एक सप्ताह के विभिन्न उद्देश्य भी होंगे। सप्ताह एक का जो उद्देश्य होगा वो होगा नए नामांकित बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करना, माता पिता को बच्चे के साथ गतिविधियों में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित करना व बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र में सहज माहौल भी प्रदान करना। साथ ही फिर दूसरे सप्ताह का उद्देश्य क्या रहेगा, कार्यकर्ता द्वारा केंद्र को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए बनाए गए नियमों से बच्चों को परिचित कराना और बच्चों को अपनी चीजें और खेल सामग्री को सही जगह पर रखने के लिए प्रोत्साहित करना, अपनी जरूरतों को व्यक्त करना और साथियों के साथ घुलना मिलना, समूह में गतिविधियों में भाग लेना। फिर तीसरे सप्ताह में बच्चा क्या सीखेगा, उसमें उद्देश्य होगा कि कविताएं, कहानी, इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना, खेल में अपनी बारी का इंतजार करना, गतिविधियों के माध्यम से स्थूल मोटर जो है कौशल विकसित करना, ये चीजें यहां पर। फिर सप्ताह जो 4 से 6 बाहरी खेल के दौरान नियम, समूह गतिविधि, इन पे कार्य किया जाएगा। भाषा विकास सत्र के दौरान कहानी सुनेगा, चर्चा के माध्यम से शब्दावली विकास पर ध्यान देगा, ये सब चीजें हैं। अब देखो छोटा बच्चा नया नया आता है जब सेंटर पर, तो उसको सब्र नहीं होती, अगर किसी के पास कुछ देख लेगा, कोई खेल रहा होगा तो उसको तुरंत चाहिए होती है, चाहे छीन करके उसको दे दो, जबकि अगर कह दिया जाए थोड़ी देर इनको खेलने दो, थोड़ी देर आपको फिर मिलेगा खेलने के लिए, तो वो वहां पर वेट नहीं करेगा, वो रोने लग जाएगा सीधा। तो इसी सब चीजों को सिखाना है, वो बच्चा वेट करे, वो सीखे कि हमारा भी नंबर आएगा, बारी बारी से सबको खेलने को मिल रहा, तो ये सब चीजें धीरे धीरे वहां पर वो सीखेगा। इसीलिए सब चीजों को साप्ताहिक रूप से बांट दिया गया है। अब कार्यकर्ता द्वारा दिन की शुरुआत आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के स्वागत से की जाएगी, जिसमें स्वागत गीत गाए जाएंगे, कविताएं कराई जाएंगी, बच्चों की स्वच्छता जांच की जाएगी, आपस में वातावरण और मौसम आदि के बारे में चर्चा होगी। बच्चों को सहज रखने के लिए केंद्र में उनके माता पिता को भी आमंत्रित करें ताकि बच्चे केंद्र पर ठहराव बन सके उनका, तो शुरुआती दौर में बच्चों के माता पिता भी वहां पर जाएंगे और कुछ थोड़ा बहुत सीख लेंगे। साथ ही ECC से संबंधित सामग्री जैसे पोस्टर, खेल सामग्री, खेल के कोने को बच्चों की आंखों के स्तर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा प्रदर्शित करें, ये सब चीजें वहां पर है। माता पिता को घर पर गतिविधियां कराने के लिए उसमें भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित करें। साथ ही स्थानीय और उनकी जो मातृभाषा है उसका ही प्रयोग करना है, ठीक। कार्यकर्ताओं को अपनी रुचि के अनुसार गतिविधियों को चुनने के लिए मौका दें, साथ ही उन्हें अपने गति और सहजता के अनुरूप गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समूह में खेलने का मौका दें, यही सब बातें हैं। कार्यकर्ता ध्यान रखें कि कोई नुकीली या ऐसी चीज़ बच्चों के आसपास ना हो जिससे उन्हें चोटिल होने की संभावना हो, या एक दूसरे को ही जो है पता चला चोटिल कर दिया, तो ये चीज़ें हैं, इनका ध्यान रखना पड़ेगा।
साथ ही समापन के समय बच्चों के दिन भर में की गई गतिविधियों पर चर्चा कर लेनी है, अगले दिन क्या करना है उस पर चर्चा कर लेनी है, यही सब बातें लिखी गई हैं। और जो भी बच्चों की रुचि है उसमें भी उनमें जो है ध्यान देना है और उसी हिसाब से चीज़ों को भी और कराना है। साथ ही प्रारंभिक जो है तौर पर जो CDPO है उनकी क्या भूमिका रहेगी, तो इनका रहेगा कि 6 सप्ताह के जो दौरान 10 से 12 आंगनबाड़ी केंद्र का ये निरीक्षण भी करने जाएंगे और प्रारंभिक 6 सप्ताह का डिजिटल रूप से सामग्री की भी उपलब्धता वो कराएंगे और गूगल फॉर्म भी भरेंगे और साथ ही यही सब चीज़ें हैं। ठीक, ये और भी इनके कार्यदायित्व हैं वो सब भी समझाए गए हैं, मेन जो था वो मैंने बता दिया है। बाकी महिला पर्यवेक्षिका की भी भूमिकाएं हैं, इनका रहेगा कि आंगनबाड़ियों का निरीक्षण करेंगी और उनका संबलन प्रदान करेंगी और आंगनबाड़ी केंद्र पर 6 सप्ताह की डिजिटल सामग्री को भी सुनिश्चित करेंगी भेजना। अब यही सब चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को उनका अभिमुखीकरण भी करेंगी। ठीक, यही सब बातें इसमें लिखी गई हैं। बाकी कार्यकर्ता की भूमिका, अपने सेंटर पर गतिविधियां कराना कैलेंडर के अनुसार, वही सब चीज़ें हैं जो कि आप सबको अब पता चली गई हैं क्या करना है कैसे करना है, तो वो आंगनबाड़ी के तौर पर उनको देख जो है करना पड़ेगा। इधर यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि बात कर लें हम हेल्पर बहनों की, तो उनका भी आपको दिखा देंगे। बाकी देखो, बच्चों से धीमी आवाज़ में विनम्रतापूर्वक मैत्री तरीके से यानी मित्रता के तौर पर बात करें, डरा करके तेज बोल करके वैसे ना करें कि बच्चा पता चला आना ही बंद कर दे। तो यहाँ पर ये सब बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। अभिभावकों को भी आंगनबाड़ी केंद्र पर गतिविधियों में जोड़ना है, ये भी ध्यान रखना है। जिसके माता पिता में से कोई आ सकता है उनको बुलाओ और वो भी थोड़ी बहुत गतिविधियाँ सीख लेंगे तो घर में बच्चों को उन चीज़ों को करवा लेंगे। ये और भी चीज़ें हैं, उनके विचार व्यक्त करने दें बच्चों को और धैर्यपूर्वक बच्चों की बातों को भी कार्यकर्ता को सुनना जो है पड़ेगा। ऐसा नहीं बच्चा कुछ कह रहा है, मैम 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 सब चिल्ला रहा है, कुछ कहना चाहता है, आप उनका सुनी नहीं रही है, तो ऐसा नहीं करना है, उनकी भी सुनना है और फिर उस हिसाब से जो आपको कहना है। साथ ही बच्चों में तुलना ना करें कि फलाना बच्चा देखो अच्छा है तुम खराब हो, ऐसा नहीं करना है, ऐसा तो सबसे घटिया काम है। ये जो तुलना की जाती है चाहे वो सदियों से चली आ रही हो कि फलाने अच्छे हैं तुमको कुछ नहीं आता वो बढ़िया है, ये चीज़ें मानसिक तौर पर जो वाकई में थोड़े बहुत कमजोर हैं जो ध्यान नहीं दे रहे हैं उनको और कमजोर करता है और पीछे छोड़ता है, उनका जो मानसिक पटल है कहीं ना कहीं वो धीमा होता चला जाता है। वो मान लेते हैं कि फलाने वाला हमसे तेज है, वो होशियार है और हमको कुछ नहीं आता, तो वो आगे सीखता भी नहीं है, सीखता है तो उसमें डर बना रहता है और वो मान बैठता है कि हम ये सीख ही नहीं पाएंगे। और यही एक बड़ा कारण है कि बड़े स्तर पर भी लोग काफी हैं पढ़ाई करने जाते हैं, वो सीख सकते हैं लेकिन फिर भी वो वहां सीख नहीं पाते हैं। रीजन यही है कि उन्होंने मान लिया कि मुझे याद नहीं होगा तो वो याद नहीं कर पाते, और वहीं कुछ लोग हैं जिनको लगता है हमको तो तुरंत याद हो जाएगा, वो कर भी लेते हैं क्योंकि उनका फोकस उतना रहता है और कॉन्फिडेंस भी उनका रहता है। तो बच्चों को उनका हौसला बढ़ाना है, हौसला गिराना नहीं है, इन सब बातों का वहाँ पर थोड़ा ध्यान रखें। वहीं जो हमारी सहायिका बहन है उनको लेकर के भी कुछ बातें हैं। अब देखिएगा यहाँ पर सहायिका की भूमिकाओं में क्या है, जरा एक मिनट। हाँ, अब देखिएगा कि यहाँ पर आंगनबाड़ी जो सहायिका हैं उनकी भूमिका दर्शाई गई है, जो 3 से 6 वर्ष आप यहाँ पर देख रहे हैं उसको लेकर के। तो सहायिका में यही है कि 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं आंगनबाड़ी केंद्र पर उनको लाना है, लाने के लिए प्रेरित भी करना है और बच्चों की व्यक्तिगत स्वच्छता पर भी ध्यान देना है, नाश्ता गर्म भोजन उपलब्ध करवाना है, ये सहायिका के काम हैं। साथ ही शाला पूर्व गतिविधि के संचालन में सहयोग करना है, आंगनबाड़ी के साथ बच्चों को पढ़ाने में भी, साथ ही कार्यकर्ता के अवकाश होने पर समस्त गतिविधियाँ फिर सहायिका के द्वारा वही की जाएंगी, चाहे बच्चों को पढ़ाना हो या सब कुछ करना हो। साथ ही ये भी है कि आंगनबाड़ी केंद्र पर उपलब्ध सामग्री का उपयोग करके बच्चों के लिए सामग्री और प्री स्कूल किट, सहायक शिक्षण सामग्री इत्यादि का विकास करने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सहयोग भी देना है। साथ ही जैसे कि ये भी है, समुदाय की भागीदारी में वृद्धि करने के लिए समय समय पर उनको गतिविधियां और ECC कार्यक्रम में जोड़ने के लिए आमंत्रित भी करना है। तो ये सब बातें हैं जो कि सहायिका को भी एक तरह से काम वही है आंगनबाड़ी से रिलेटेड, उनका हर काम में हाथ बटाना इस तरह से रहता है। तो आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और अगले वीडियो में शाम को आपको फिर मिलते हैं।